पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब हो रही है, बहुत सारे मुद्दों पर सदन में चर्चा नहीं हो रही है, सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बुढ़ापा पेंशन को 5100 रुपये करने का वादा मैनिफेस्टो में किया था, लेकिन सरकार ने केवल 250 रुपये की ही बढ़ोतरी की। दूसरी तरफ सरकार 14 फसलों पर MSP देने का दावा तो करती है, लेकिन C2 फॉर्मूला लागू नहीं करती। मैनिफेस्टो जो आता है, मैनिफेस्टो का मतलब ये होता है कि सरकार ये प्रॉमिस कर रही है। अब सरकार के ही प्रॉमिसेस अगर रहने जो रहे हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं कार्रवाई हो रहा, तो आप समझ सकते हो जब सरकार ही झूठ बोलती है। 5100 का बुढ़ापा पेंशन दिया था लोगों ने, दबा दब वोट डाली सारी की सारी, उसका बढ़ोतरी इस बजट के अंदर मुश्किल से 250 करी है, मतलब 5000। अब साल ये सरकार का जो है आखिरी साल रह गया है। बीजेपी ने तो 3100 ही कहा था ना, लेकिन मैडम वो तो जेजेपी ने कहा। तो क्या हो गया, देखो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो इनका है ना, तो वो तो सरकार की जिम्मेवारी होगी, जेजेपी की जिम्मेवारी नहीं है, ये तो सरकार की जिम्मेवारी। जब आप नहीं नहीं जब आप जब आपका गठबंधन है, गठबंधन का मतलब आप दोनों मिलजुल कर चला रहे हो सरकार को, ये अलग अलग मार के थोड़ा चला रहे हो।